हेलो दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं बच्चों का फेवरेट क्रिस्पी पोटैटो। जब आपके पास वक्त कम है और कुछ अच्छा बना के खिलाना चाहते हैं बच्चों को, तो ये एक बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए आप फटाफट से बनाते हैं क्रिस्पी क्यूब पोटैटो। इसके लिए मैंने ले लिया है 4 आलू बड़े साइज़ का। इसको हम अच्छे तरीके से छील लेंगे। पोटैटो हमें चाहिए क्यूब साइज़ में, इसलिए हम साइड का पूरा पोर्शन निकाल लेंगे और हम सेंटर पार्ट को ही सिर्फ यूज़ करेंगे। आलू अगर बड़े साइज़ में मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। इस तरीके से हम क्यूब में कट कर लेंगे। साइड में जो आलू हम कट करके निकाल रहे हैं, इसको मैंने बॉईल करके इसका सैंडविच बना लिया था, तो आप भी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें इसको। कटे हुए आलू के पीसेस को मैंने 2 बार अच्छी तरीके से पानी से धो लिया है। अब हम एक पतीले में डाल लेंगे 2 ग्लास पानी, 1 टेबलस्पून नमक। थोड़ी देर के लिए हम इसको कर लेंगे बॉईल। हम पोटैटो को करेंगे हल्का सा बॉईल, एक ही बॉईल आने तक इसको हम बॉईल करेंगे ताकि नमक थोड़ा ऑब्जर्व हो जाए आलू के अंदर। सारे पानी को हम निकाल लेंगे। आलू को अब हम अच्छे से, इसका पानी निकल चुका है तो हम इसको कर लेंगे ड्राई। किचन टॉवल में या टिश्यू पेपर में आप डाल के इसको अच्छे से सुखा सकते। ध्यान रखें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको हम कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से ड्राई। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 4 to 5 टेबल स्पून। चावल के आटे से बहुत ही अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। अभी पूरी तरीके से कोट हो चुका है तो हम गरम तेल में इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई फ्लेम में रखेंगे। इसको कुक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको बॉईल भी किया हुआ है हल्का सा, और पीसेस भी हमारी छोटी छोटी है। तो देखिए, क्रिस्पी क्यूब पोटैटो हमारी रेडी है। मेरे घर में तो बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं ये डिश। आई होप कि आपके बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।